सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं तहसील दादरी लगती है, और हमारे साथ जो अंकल जी बैठे हैं, आपका शुभ नाम? संग्राम जी। आपने चार दिन पहले देखी होगी, हमने एक वीडियो डाली थी, जिन्होंने मंजू नाम की लड़की थी, अपने माता पिता के काफी तोमर लगाई है। अब उनके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं, ये भी अपनी बताएंगे कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। आइए, नमस्कार अंकल। नमस्कार। पहले तो आइए अंकल जी, ठीक हो आप? हाँ, बिल्कुल ठीक। अंकल जी, आपकी लड़की आपके बहुत तोमन लगा रही है, आपके मेरे माता पिता ने मेरी लड़की भगा रखी है और जबरदस्ती अपने घर में रख रखी है। ये कोर्ट केस चला ना? हाँ जी। उस टाइम चिल्ड्रन वो होता है कोर्ट में? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने लड़की के दो बार बयान लिए। दो बार बयान लिए। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कस्टडी हमारे को दे रखी है। हाँ जी। फिर लड़की ने लक्की दे रखा है। हाँ जी। तो मैं अपने नाना नानी के पास कोई बगैर दाव दोस्त के और रह रही हूँ। अच्छा, ये जो आपकी ज्योती रहे कोर्ट के थ्रू रह रही पुलिस? हाँ जी। ठीक, ये भी बात ठीक है। हाँ। तो आपकी लड़की तो नुकैद जबरदस्ती रख रखी है, इस लड़की को मेरे पास 2 घंटे छोड़ दो, ये वापिस नाना नानी के पास नहीं जाएगी। वो ये जिंदगी भर आएगी नहीं? अच्छा, वो उधर नहीं जाएगी आपकी ज्योती? अगर मान लो कहीं भी, हाँ, तो वो दूसरा दिन निकाल सकती? अच्छा, दूसरा दिन नहीं निकालेगी? हाँ, जब वो जिंदगी को फूंक देती है। अच्छा जी, तो जिंदगी को कैसे जला रखा है? जला करवाया उसने। अच्छा, पास में खड़ा होकर के माँ ने बेटी का रेप करवाया? हाँ। और बेटी की उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल की, बिल्कुल छोटी है। कन्या है, 13 साल की थी। हाँ। जिस टाइम ये रेप किया। अच्छा जी, और करने वाला कौन था? इसकनेटी गांव का है, दिल्ली पुलिस में है। हाँ जी। सुनील नाम है। हाँ जी, उधर मुंबई। हाँ, सुनील नाम है। अच्छा जी। उनके घर को आना जाना 4 साल से। अच्छा, वो कह लिए 2 बार आया है। अच्छा, ये लड़की बता रही थी वो कितने साल से आता था, वो कहाँ सोता था, किस टाइम आता था, किस टाइम जाता था, हमें तो सारा पता नहीं। एक जो एक्स सरपंच हमने वो भी मिला था, वो भी कह रहा था इसके माता पिता झूठी तोमन लगाते हैं, वैसे आना जाना है, और ये भी ठीक है, मंजू भी बढ़िया है करेक्टर की। तो अभी वो कह रहा था कि 23 तारीख को हम पंचायत भी ले जाएंगे उधर आपके इस गांव में। कनेटी का सरपंच आएगा लेकिन? हाँ, कनेटी ले जाएंगे। क्या जी? इसी गांव में आएंगे? हाँ, इसी गांव में आएंगे, पंचायत लेकर 23 तारीख को। उस पंचायत से पूछेंगे ना मैं? हाँ जी। आज तुम पंचायत के क्या रहोगी? हाँ जी। जिस दिन मेरी जूती के साथ ये काम हुआ था। हाँ। कि तुम्हारी पंचायत तेरा गांव कहाँ गया था? हाँ जी। और उनमें जो सरपंच है वहाँ का, वो जेल का ड्राइवर सब पता है, उस पर आटियाई लगी हुई है, उसकी सजा हुई, अरे वही भूखा मरता उसके जेल फिर रहा है। और आपकी लड़की मंजू के साथ भूखा मरता? हाँ, तो अगर जीदार होता है, ईमानदार होता है, सही होता है। हाँ जी। तो पूछता क्या कहानी है, वो उसके पीछे पीछे घूमता, उसके परिवार में आदमी रहे। क्या आपकी धोती ने बताया मेरे साथ नाना जी इस तरह की कहानी हुई? हाँ, अपने नानी के पास बताया। नानी को? आपने नानी को बताया? हाँ। उनके नानी ने हमारी इंटी दिया आपको? हाँ, बताया। फिर उस जगह हुई बात, क्यों पुलिस वाले बात बात पूछते हैं कैसे होया, तो कहती है ऐसे ऐसे होया। वो तो बताना पड़ेगा। हाँ। जब एक चीज की कंप्लेंट होगी और थाने तहसील चलेगी, कोर्ट में चलेगी, प्रशासन वो नहीं है तो बताना तो पड़ेगा। जब हम एसपी के नजर मिले। हाँ जी, हाँ जी। तो बोला जी फैसला करेंगे, ये करेंगे। हाँ। फिर उसे ही करेंगे। और जब दूसरी तीसरी बार गए तो बोला ऐसा तो उसे मिलो, वो ही फैसला करेगी। फिर क्यों बैठे हो, ये सीट क्यों पकड़े बैठे हो आप, जब ऐसे तो फैसला करेगी। तो अनिल विज के पास भी गए हम। अच्छा, आप अनिल विज के पास भी? हाँ। तो वहां से क्या जवाब मिला? भी गुड़िया की नानी भी। अच्छा, और उसका मामा भी। हाँ जी। अनिल विज ने सारी बात देख रही सुन के। हाँ। और ऑर्डर करे उसको पकड़ाओ। हाँ। बोले जी दाब पड़ गई, प्रेशर पड़ गया। किसका प्रेशर पड़ गया? मुझे उनको छोड़ दो, प्रेशर पड़ गया। हाँ जी। लेकिन कोई नहीं, फिर गए, फिर गए, फिर गए। जब उसने ऑर्डर करे गठित करो कमेटी और मुझे सारी चीज बताओ, हम ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो अब उसमें जो सच्चाई होता है। एक अंकल जी, बाप का बेटी का बहुत बढ़िया संबंध होता है,
क्योंकि बाप ने बेटी से फालतू कोई नहीं होता, बेटे से भी प्यारी होती है, बेटी होता भी ना बेटी हो। क्या कभी वो आपसे माफी मांग ले, हाथ जोड़ ले, क्या उसको आप माफ कर पाओ? हमारे पास कोई खाना नहीं है तीनों माफी का, कोई तीनों का बलात्कारी का और जूते के मम्मी और पापा का, हमारे तो दरवाजे पर भी नहीं आएंगे ना हम आने देंगे। अगर कोई पंचायत बीच में आ जाए या राजीनामा करा दे, मैं तो ये पूछूं उस पंचायत की भी वो बेइज्जती कर दूंगा पंचायत की बात, एक ही पंचायत ना जो मैं नौ पंचायतों ने बोला। देखो पंचायत उससे भी पंचायत जो होती है परमेश्वर का रूप, पंचायतों की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वो तो बुराई को दबाना चाहते हैं। इस पंचायत ने मेरी जूठ की कर दी तो मेरी क्या लगती है पंचायत नहीं, वो तो करिए तो आपकी बेटी नहीं करिए, पंचायत ने थोड़ी करी, पंचायत को तो पता है, पता है उठाड़ खाड़ा मुकदमा तो पंचायत आपको कोई न्याय नहीं दिलाई पाई आपका नहीं कोई पंचायत, पंचायत किसके है ऐसे के खाओ आज रेलवे को ले जाओ किसी को दारू पिलाओ ले जाओ, ये 500 रुपए पर लोग आई और आदमी 22 आदमी इधर कोर्ट में ले गए। कहाँ से ले गए? कनेटी से, आपके गांव से ले गए 500 रुपए पर पर। अच्छा 22 आदमी 11,000 रुपए उन्हें दिए गए, फिर वो आपके गांव के कैसे गए आपके खिलाफ, वो आपसे नहीं बोलते थे, लड़ते झगड़ते थे? उनका कोई मतलब नहीं है, वो है सब दारू पड़े। अच्छा।